बागी व बागी टू जैसी फिल्मों की सफलता के बाद टाइगर श्रॉफ की गिनती अब बॉलीवुड के सफल स्टार्स में की जाती है। जहां देश की तमाम लड़कियां उनकी फिट बॉडी की दीवानी हैं, वहीं लड़के भी उनके फिटनेस गोल्स हासिल करना चाहते हैं। टाइगर श्रॉफ फिलहाल अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 की शूटिंग में व्यस्त है, जिसमें उनके साथ तारा सुतारिया और अनन्या पांडे नजर आएंगे। मगर इस फिल्म के साथ ही उनके प्रोजेक्ट्स में एक और फिल्म है, जो कि एक बंगाली एक्ट्रेस की डेब्यू मूवी भी है। कोलकाता की नामी फैशन ब्लॉगर, मॉडल और एक्ट्रेस प्रिया प्रियवंदा अब बंगाल से निकलकर बॉलीवुड की यात्रा शुरू करने जा रही हैं। जहां कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को एक सफल फिल्म और हीरो की दरकार है, वहीं प्रिया प्रियवंदा के बुलंद सितारों की वजह से उन्हें टाइगर श्रॉफ के साथ एक फिल्म करने का मौका मिला। 2019 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के नाम पर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया, पर माना जा रहा है कि ये फिल्म प्रिया के करियर को एक नया मोड़ दे सकती है। मिस उड़ीसा स्टाइलिश टाइलर की विनर रह चुकी प्रिया प्रियवंदा उड़ीसा से हैं। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपने परिवार व समाज का सपोर्ट हासिल करने में काफ़ी मेहनत लगी। रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले प्रिया कई नामी ब्रांड्स के साथ शूट कर चुकी हैं। टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार प्रिया बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के साथ भी काम करना चाहती हैं। सिर्फ ऋतिक ही नहीं, वह बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के साथ भी स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं।